सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी। हेलो दोस्तों, अरमान इलेक्ट्रॉनिक सिटी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड की वायरिंग में आप मिनी पंखे का रेगुलेटर, जो छोटे वाले पंखे का रेगुलेटर आता है, वो आप अपना आप खुद कैसे लगाएं आसानी से। गर्मी शुरू हो चुकी है, अब शुरुआती गर्मियों में ज़्यादातर लोग पंखे का रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पंखा हल्का चलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद अपने आप अपने बोर्ड में बहुत आसान तरीके से पंखे का रेगुलेटर लगा सकते हो, ठीक है। चलिए मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ। प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, और कुछ पूछना हो मुझसे तो कमेंट्स लिखें, और प्लीज़ मेरे चैनल को आपका किसी भी तरह का बोर्ड हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, और कभी कभी एक स्विच एक सॉकेट का भी हो सकता है। किसी भी तरह का अगर बोर्ड हो आपका तो मैं बता दूँगा, आप इस तरह से पंखे का रेगुलेटर खुद ही लगा सकते हो। चाहे बोर्ड में अगर जगह नहीं हो फिर भी आप लगा सकते हो। इस आप बोर्ड में मानो आपकी जगह नहीं है, दो स्विच लगे हुए हैं, तो एक स्विच निकाल के रेगुलेटर उसकी जगह लगा सकते हो, ठीक है। मैं अब आपको इसकी वायरिंग करना बताता हूँ कि किस तरह से इसकी वायरिंग होगी, ठीक है। मेरी वीडियो को प्लीज़ शुरू से आखिर तक देखिएगा, ठीक, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक। वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूं कि हम यहाँ नीचे हमेशा ये नीचे वाले पॉइंट पे फेस देते हैं, यहाँ पर फेस, ठीक है। हम ये इसमें नीचे वाले दोनों स्विच के देखिए हमने स्विच के नीचे वाले दोनों पॉइंट ऊपर फेस दे दिया है, ठीक। ये हमारा जो ऊपर लाइन से फेस आता है, ये फेस आ रहा है आपका। अब हम इस स्विच से, जैसे कि पहले मैंने बताया कि फेस काट के इस सॉकेट को देंगे, वाले
इस सॉकेट में हमने ये तार कस लिया। ठीक, ये हमारा फेस जा रहा है। अब हमने इस सॉकेट को फेस देने के लिए, ये जो फेस हमने इस पर दिया था, ये फेस दिया था, तो हमने फेस स्विच के जरिए इस पर दे दिया। ठीक, ये फेस ऊपर से आ रहा है और ये फेस हमने इसको दे दिया है। अब हम सॉकेट को न्यूट्रल देते हैं। ये देखिए, हमने सॉकेट को न्यूट्रल दे दिया है। सॉकेट को हमारा न्यूट्रल फिर दोनों मिल गए। ये सॉकेट, हमने सॉकेट को न्यूट्रल फेस, मतलब बोर्ड में हमारे पूरे न्यूट्रल फेस आ गया है। ठीक, अब मान लीजिए ये बल्ब होल्डर है, पंखा तो मैं दिखा नहीं सकता अभी आपको, ये बल्ब होल्डर है, ये पंखे के तार आ रहे हैं। हमने आपने अक्सर देखा होगा कि एक ये डायरेक्ट पंखा आपका लगा हुआ है, पंखा मैं दिखा नहीं सकता हूँ, मैं इसलिए आपको ये बल्ब दिखा दे रहा हूँ। जब आपके घर में पंखा लगा हुआ होता है तो पंखे के स्विच में एक तार ही लगा हुआ होता है ना, और न्यूट्रल तो सब में कॉमन होता है। मानो आप अलग से पंखा लगाना चाह रहे हो, तो ये देखिए मेरे पंखे की जगह पे ये ऐसे ही ऊपर तो दो तार आते हैं पंखे के, ठीक है, तो एक तार तो न्यूट्रल में यहाँ पर लग गया, बोर्ड के जहाँ न्यूट्रल आ रहा है। मैं अपनी पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि अलग से जो भी चीज़ चलानी हो, ये देखिए, ये हमारे पंखे के दोनों तार ये आ गए, ये पंखे का स्विच हो गया हमारा, ये वाला ये पंखे का स्विच हो गया, ये हमने न्यूट्रल इसमें लगी गया पंखा। ठीक है, ठीक, अब हम इसमें पहले आपको न्यूट्रल फेज लाइट देके चला के दिखा देते हैं। रोक दो, ये पंखे के की न्यूट्रल, ठीक है, ये लाल वाला फेस हमने इसमें करंट दे दिया है। ठीक, अब ये जो तार थे, ये एक नीला जो लगा हुआ स्विच में, ये मान लीजिए आपका पंखे का तार आ रहा है। ठीक है, अलग से अगर आपके मकान में वायरिंग है तो अंडरग्राउंड वायरिंग है तो एक ही तार फेस आएगा इस पर। ठीक, और अगर अलग से आपने वायरिंग कर रखी है और पंखा अलग से तार से चला रहे हैं तो आपके दो तार आएंगे। तो मैंने पहली बोर्ड की वायरिंग में आपको बता दिया किस तरह से अलग से कनेक्शन होते हैं। तो ये मानो एक न्यूट्रल हमने इसमें दे दिया। ठीक, अगर हम पंखा रेगुलेटर से चलाना चाह रहे हैं तो एक ही हमने न्यूट्रल तो यहाँ जुड़ा हुआ है, ये हमारा स्विच पे आया हुआ है। अब देखिए स्विच पे हम यहाँ से ऑन ऑफ करेंगे, ये देखिए ये वाला स्विच ऑन ऑफ करने पे, ये देखिए ये स्विच ऑन ऑफ करने पे हमारा बल्ब जल रहा है, यानी कि पंखा हमारा इसी से है, पंखा चल रहा है। अब हमें इसमें लगाना है रेगुलेटर। ठीक, हम रेगुलेटर कैसे लगाएंगे हम बता रहे हैं आपको। हम पहले यहाँ से तार निकाल देते हैं, तार निकाल दिए। ठीक, अब ये रेगुलेटर के दो तार हैं, ये रेगुलेटर दो तार हैं। ठीक है, अब ये मानो आप के बोर्ड में, तो चलो इसमें मैंने जगह थी अलग से रेगुलेटर लगा दिया है। ठीक है, आपके बोर्ड में अगर जगह नहीं है, खाली एक ही स्विच लगा हुआ है, तो आप रेगुलेटर लगाना चाह रहे हो तो एक स्विच और जगह है नहीं तो स्विच निकालना पड़ेगा। तो स्विच अगर आप निकालोगे तो स्विच निकाल के जब निकालोगे आप, तो ये वाला तार आपको पंखे का जो तार है ये आपको ऐसे करके इसमें निकाल देना। ठीक है, पंखे का तार निकाल के रेगुलेटर के किसी भी तार में, इन दोनों में से जो रेगुलेटर में तार आ रहे हैं,
किसी भी तार में आपको ये पंखे का एक तार ऐसे करके जोड़ देना है, ठीक ठीक। और इस वाले में ये वाला तार जो रेगुलेटर का एक बचा, मतलब दोनों में से कोई भी एक तार बच जाएगा तो वो आपको फेस, अगर मानो आपके यहाँ बोर्ड में स्विच एक्स्ट्रा नहीं है, आपको वही स्विच निकालना पड़ा है, तो आप इस जगह पे कहीं से भी फेस आप इसमें लगा देंगे, रेगुलेटर में फेस दे देंगे। मानो यहाँ फेस ये आ रहा है, हम यहाँ रेगुलेटर इसमें डायरेक्ट लगा देंगे, तो ये क्या होगा कि हमारा इससे रेगुलेटर से ही ऑन ऑफ होगा। मैं आप दोनों तरह से आपको करके दिखाता हूँ। मानो आपके यहाँ बोर्ड में एक ही स्विच था, वो आपने निकाल के रेगुलेटर लगा दिया है, तो आपको क्या करना है, आपने जो पंखे का तार था एक उसे निकाल के एक रेगुलेटर तार में लगा दिया, और एक हम जहाँ फेस आ रहा है टेस्टर से चेक कर लेंगे फेस कहाँ आ रहा है, वहाँ पर हम एक तार दे देंगे, जैसे मैंने ये दे दिया। ठीक है, ये मैंने दे दिया है, एक तार मैंने पंखे का इसमें लगा दिया, एक मैंने फेस में दे दिया। ठीक है, अब मैं आप करके अब ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। मैं फेस लगा लेता हूँ, देखिए, ठीक है, ये मैंने पंखे का एक तार इसमें दे दिया है, ठीक है, और रेगुलेटर एक तार मैंने फेस पे लगा दिया। अब देखिए यहीं से, ये देखिए पंखा यहीं से कंपन हो रहा है, देखिए ये रेगुलेटर हमारा काम कर रहा है, ठीक। अब यहीं ये रेगुलेटर काम कर रहा है, और यहीं से ऑफ हो गया, ये यहाँ से ये नंबर एक पे चल गया, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार, ठीक ठीक है, और ये कंबड़ हो रहा है, ठीक है, स्विच का कोई रोल नहीं है। अब मानो आपके बोर्ड में एक स्विच लगाने की जगह है, तो आप स्विच से ऑन ऑफ करना चाहते हैं और इससे कंबड़ती करना चाहते हैं, तो उसकी वायरिंग भी मैं आपको बता दूँ। ये मैंने आपको वो वायरिंग बताई है जो मानो आपके बोर्ड में जगह नहीं है, आप रेगुलेटर लगाना चाह रहे हैं, तो आप रेगुलेटर के दो तार में से, ये देखिए ये रेगुलेटर के दो तार होते हैं, एक आपने डायरेक्ट फेस में दे दिया, एक आपने पंखे में लगा दिया, ठीक है। अब मैं आपको वो भी वायरिंग बता दे रहा हूँ, आप स्विच से ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं और रेगुलेटर से कंबड़ती करना चाह रहे हैं, मैं वो भी बताता हूँ, ठीक। तार निकाल देते हैं, ये देखिए, अब हम यहाँ से ये हमने जो फेस यहाँ से दिया था रेगुलेटर को, ये निकाल लेते हैं यहाँ से, और ये हमारा स्विच का जो खाली जहाँ पर हमारा पंखे का लगा हुआ था, जिससे पंखा ऑन ऑफ होता था, वो हम ये यहाँ लगा देंगे, तो इससे क्या होगा, ये ऑन ऑफ तो यहाँ से होगा, ये देखिए ये पंखे का तार तो मैंने रेगुलेटर के इस वाले तार में लगा दिया है, अब इस फेस आ रहा है स्विच से काट के मैंने रेगुलेटर लगा दिया है। अब मैं इससे भी आपको जला के दिखाता हूँ, मैं इसको इस तरह से मैंने इसको सीधा कर लिया, ठीक, मैं फेस लगा दूँ, ये देखिए ये स्विच से ऑन ऑफ हो रहा है, इस वाले स्विच से ये ऑन ऑफ हो रहा है और इससे कम बढ़ता हुआ, ठीक। मैंने बल्ब लगा के दिखाया, पंखा भी सेम ऐसे ही होगा, पंखा मैं आपको दिखा नहीं सकता था, इसलिए बल्ब से मैंने आपको ये ऑन ऑफ ये कंबर्ती करके दिखा दिया। इसी तरह से आपका पंखा कंबर्ती होगा। अब मानो आपका पंखा एकदम ऐसे चल रहा है फुल स्पीड में, आपको कहीं अचानक जाना है तो इस स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हो, ये देखिए स्विच से ऑन ऑफ भी हो रहा है, ठीक है, और इससे भी हो रहा है, ये डबल हो गया आपका, इससे भी ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक, ठीक है। मेरी वीडियो ये आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ भाई लोगों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, जिससे कि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके, और लाइक करिए, मुझे कमेंट्स लिखिए,
और प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।